लगाया मिलेगा नहीं। हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर की दिशा से यूपीडा को इसकी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि यूपीडा और आईआईए ने बहुत सफलतापूर्वक इस 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो को आज यहां पर संपन्न किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग डिफेंस कॉरिडोर की दिशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि आगामी 5 वर्ष में जितना विस्तृत क्षेत्र उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की दिशा से हम लोगों ने तय किया है कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का निवेश डिफेंस कॉरिडोर की दिशा से उत्तर प्रदेश के अंदर होगा और 2.5 लाख से अधिक नौकरियां इस डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग यहां के युवाओं को देने में सफल होंगे।